नमस्कार, भारतीय मसालों में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं हरड़ का चूर्ण बनाना। इस चूर्ण को लेने से आपके कब्ज की, गैस की, पेट की जितनी भी तकलीफें होती है वो सब दूर होती है। और इसका आप लगातार 40 दिन तक रात को सोने से पहले प्रयोग करते हो तो सुबह उठते ही आपका पेट भी साफ रहता है और आपको रोज रोज कब्ज की, इनकी तकलीफों से में दिक्कत नहीं आएगी। इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम हम लेंगे, ये हरड़ है, ये सुहागा है और ये हींग है, और इसमें काले नमक को भी अपन यूज में लेंगे, लेकिन उसका प्रयोग अपन लास्ट में करेंगे। हरड़ को, सुहागे को और हींग को हमने घी में फ्राई किया है, जो हमने मैंने पहले से ही इनको घी में भून के रखा हुआ है। ये देखिए आपके सामने है। इनके लिए आपको प्रयोग में करना है ये अपना 200 ग्राम हरड़ है, 20 ग्राम हींग है और ये 40 ग्राम के लगभग अपना सुहागा है। नमक आप इसमें स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, आपको ज्यादा नमक तेज चाहिए तो आप ज्यादा ले सकते हो और कम चाहिए तो आप नमक की क्वांटिटी अपने हिसाब से डाल सकते हो। ये सब हमारा भुना हुआ है, अब हम इनको सबसे पहले कूटेंगे। ये देखिए हमने सारा इनमें डाल दिया उपली मुसली में और अपन अब इसको कूटेंगे। ये देखिए हमने इनको कूट लिया है, लेकिन क्या है अब ये मोटा है तो इसको हम मिक्सी में पीस के बारीक पाउडर बनाएंगे। ये देखिए हमने हमारे सुहागे मिक्सर में अच्छे से मतलब बारीक बारीक ग्राइंडर कर लिया है, क्योंकि कूटने के बाद अपना थोड़ा ये मोटा रह जाता है इसका दाना बीज वगैरह, तो हमने इसको बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है। और इसमें थोड़ा नमक तो हमने क्या है पीसते वक्त ही डाल दिया, थोड़ा नमक तो हमने इसमें पीसते वक्त डाल लिया था ताकि अच्छे से अपना पीसा जाए। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो और हमको काला नमक लेना है। और अब हम इसमें ये थोड़ा बहुत नमक कम रहा है वो डाल के आप अपने स्वाद के अनुसार जितना आपको तीखा या कम तीखा चाहिए उस हिसाब से अपना नमक ले सकते हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं और इसमें नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, मिक्स कर लेना है इसको। देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया अच्छे से, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी अच्छे से मिक्स होने के बाद हमने इसको बंद सील पैक डब्बे में ऐसे डाल के रख देंगे ताकि इसमें सीलन नहीं आए। ये हरड़ का, काले नमक का, सुहागे का और हींग डाला हुआ अच्छा चूर्ण है, जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। रात को सोने से पहले एक चम्मच रोज गर्म गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए, इससे आपका भोजन भी पचता है और आपको अपच की, कब्जी की जितनी भी शिकायतें होती है वो सारी इससे खत्म होती है। कब्जी की, गैस की, आपको जो भी दिक्कत हो वो सारी इससे खत्म होती है आपकी, और भोजन को भी पचाता है ये। सोने से पहले इसकी एक चम्मच गुनगुने पानी के साथ जरूर लेनी है आपको, और कंटिन्यू 40 दिन तक लो तो आपको इससे बहुत फायदा होगा, आप खुद इस फायदे को महसूस करोगे। ये देखिए ये हमारा चूर्ण तैयार है, हमने इसको अच्छे से बना के और मिक्सी में डाल लिया है। आप बना के देखिए, लेके देखिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा, जरूर फायदा होगा। और आपको फायदा हो, अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है, अपन इस चूर्ण को बनाने के लिए हरड़ दो तरह की आती है, एक छोटी हरड़, एक बड़ी हरड़। तो अपने को छोटी हरड़ काम में लेती है, ये आपके पंसारी के पास आप जाओ तो उससे बोलना छोटी वाली हरड़ दे, ना कि बड़ी वाली। छोटी वाली हरड़ का इसमें अपन को प्रयोग करना है। धन्यवाद।